डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हम देख रहे हैं कि एवोगैड्रो नंबर से रिलेटेड हम कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, यानी हम एटम मॉलिक्यूल आयन ये कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हम आयन कैसे निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ सोडियम आयन निकालने हैं 1.17 ग्राम NaCl। अब NaCl में देखें एक ही सोडियम है, एक ही क्लोराइड है, तो इसका मतलब है कि अगर हम इसके फार्मूला यूनिट भी निकाल लें, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट निकाल लें, तो जितने फार्मूला यूनिट आएंगे उतने ही सोडियम आयन आएंगे और उतने ही इसमें क्लोराइड आयन आएंगे। ऑप्शन देख लेते हैं, हमारे पास ए ऑप्शन में है 6 एवोगैड्रो नंबर है, हमारे पास जो बीटा ऑप्शन है 1.2×10^22 है, और फिर हमारे पास जो सी ऑप्शन है 1.5×10^21 है, और जो डी ऑप्शन है दैट इज 3.01×10^20 है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले तो इसका पॉइंट खत्म करते हैं। अगर आप पॉइंट खत्म करेंगे तो ये बनेगा 117। फिर इसका मोलर मास देखें, सोडियम का 23 होता है, क्लोरीन का जो है वो 35.5 होता है, तो ये बनेगा 58.5। ये इसका मोलर मास बन गया 58.5। अब हमने देखना है कि ये जो हमारे पास 58.5 है इसको ये इसमें कन्वर्ट करना है, तो क्या करें? इसको डबल करें, इसको हाफ करें, 3 टाइम्स करें, 4 टाइम्स करें, क्या करें? मोलर मास से रिलेट करना है, तो चूंकि ये मोलर मास से बड़ी वैल्यू है तो हम इसको डबल करके देख लेते हैं। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 117 बनेगा। इसका मतलब है 117 ये हमारे पास है, इसका डबल होता है। अब देखें अगर हमारे पास होता 58.5 तो 58.5 का मतलब होता 1 मोल, और 1 मोल का मतलब होता उसमें फार्मूला यूनिट होते 6×10^23, इतने फार्मूला यूनिट होते। अब चूंकि ये 58.5 नहीं है, 117 उसका डबल है, तो मैं इसको डबल कर देता हूं। जब मैं इसको डबल करूंगा तो साफ जाहिर है मोल भी डबल हो जाएंगे और फिर फार्मूला यूनिट भी डबल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 12×10^23, तो ये इतने बन जाएंगे। अब हमारे पास 117 नहीं था, 117 नहीं था, 1.17 था, यानी पॉइंट को हमने लेफ्ट साइड पे लेके जाना है, तो अगर मैं एक डिजिट लेफ्ट साइड पे ले जाके 11.7 कर दूं, सिर्फ यहाँ से एक डिजिट, तो साफ जाहिर है इसका पॉइंट भी इस तरफ को आएगा, तो मोल कितने बन जाएंगे? 0.2, और फिर इसका भी जो पॉइंट है लेफ्ट साइड पे यहाँ लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 1.2×10^23, ये आ जाएगा। अब हमारे पास तो 11.7 भी नहीं है, हमारे पास 11.7 भी नहीं है, कितना है? 1.17 है, तो यहां से 1.17 है, यानी पॉइंट को इस तरफ एक डिजिट और लेके जाना है 1.17, तो इसका भी 0.02 हो जाएगा क्योंकि एक डिजिट और ये इधर चले जाएगा। और अगर आपने इसको लेके आना है तो सिंपली इसकी पावर कम कर दें, यानी 1.2×10^22 कर दें, तो ये हमारे पास बन जाएंगे 1.17 से इतने फार्मूला यूनिट आते हैं 1.2×10^22। आप इसको यूं भी कर सकते थे कि 0.12 है और बाद में 1.2 करने के लिए 1/23 से 22 कर देते, मैंने डायरेक्ट कर दिए। अब इतने फार्मूला यूनिट है, उसने फार्मूला यूनिट नहीं पूछे, उसने पूछा है कि इसमें सोडियम आयन कितने होंगे। अब NaCl में देखें एक ही सोडियम आयन है और एक ही क्लोराइड आयन है, इसका मतलब है जितने फार्मूला यूनिट होंगे उतने ही सोडियम आयन आएंगे और उतने ही क्लोराइड आयन आएंगे, यानी हमारा आंसर जो है वो 1.2×10^22 ही रहेगा क्योंकि सर सोडियम और क्लोराइड आयन 1:1 रेशियो से हैं। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।